बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मित्रों, आज के इस आर्य सत्य में मैं आचार्य चंद्रकांत आप सभी प्रिय दर्शकों का पूरी आत्मीयता से हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का ये जो एपिसोड है ये कुंडली मिलान को लेकर के जागरूकता कैसे निर्मित करें, इस उद्देश्य को मैं लेकर के चल रहा हूं। क्योंकि जहां पर कुंडली नहीं मिलाई गई है या कुंडली गलत तरीके से मिला दी गई है, उसका बहुत बड़ा भुगतान दोनों में से चाहे पुरुष हो या स्त्री उसको भुगतना पड़ सकता है। ज्यादातर मामलों में महिलाओं को इसका दंश झेलना पड़ता है, ऐसा मैंने अनुभव किया है। कुछ ऐसे योग कुछ व्यक्तियों की कुंडली में होते हैं कि वो अपने लव अफेयर्स को, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक आपके या मेरे या किसी के सोच से भी परे 10, 20, 30 सालों तक गोपनीय बनाए रखने की एक कला देते हैं। मैं तो इसको कला ही कहूंगा। मित्रों, दो ऐसे केस, वैसे तो कई सारे ऐसे केस आते हैं जिसमें इस तरह की शिकायतें होती है, परंतु न्यूयॉर्क में रहने वाली एक भारतीय एनआरआई महिला जो पिछले तकरीबन 15-20 सालों से अमेरिका में है, शादी को 25 साल हो चुके हैं और अब जाकर के उनको ये पता लगा है कि उनके पति एक और महिला को पत्नी की तरह दर्जा दिए हुए कहीं पर रखे हुए हैं। एक तो उनके बच्ची की शादी भी हो चुकी है, दूसरी बच्ची शादी के लायक है। अब मित्रों बताइए कि 20-25 साल कोई कम अवधि नहीं होती। इस महिला को यह पता तब लगा जब कुछ परतें खुली, पुराने कुछ कागजात उनको पता लगे और उसमें यह तथ्य सामने आया कि वो कॉलेज के दिनों से ही संपर्क में है और तब से साथ में है, पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं। और आज के टेक्नोलॉजी वाले जमाने में इस तरह के तथ्य छुपा करके रखना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया और दूसरी सारी चीजें बहुत सक्रिय हैं। इसी प्रकार का एक और इंसिडेंट जो कि पिछले ही दिनों मेरे सामने आया, वो था एक भारत में ही दिल्ली में रहने वाली महिला, उसको तकरीबन शादी के 13 से 14 साल के बाद में ये पता लगता है कि उनकी शादी से पहले ही किसी महिला से उस व्यक्ति की शादी हो चुकी थी और वो अपना दूसरा परिवार कहीं और पाल रहा है और ये अभी तक गलतफहमी में ही जी रहे थे। तो ऐसे केस ने मुझे इसकी स्टडी करने को मजबूर किया और ताकि मैं आपको वो चीज बताऊं, क्योंकि मैंने ऐसे कुछ लोगों की जब कुंडलियां देखी उसमें कुछ स्त्रियां भी थी, ऐसी बात नहीं है, सारा दोष पुरुषों का भी है। जो कुंडली में ऐसे योग निर्मित करता है कि व्यक्ति गोपनीय चीजों में एक अभिनेता के तौर पर इतना प्रखर हो जाता है कि अपने ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को मेंटेन करता रहता है, उसको छुपा करके चलता रहता है, पैरेलल दो दो जिंदगी वो समानांतर रूप से जीता रहता है। कब और कैसे होता है ये, मित्रों उद्देश्य यही है कि कुंडली मिलान के समय इसका ध्यान रखा जाए। किसी की व्यवस्थित शादीशुदा जिंदगी में दखल देने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ सावधानी बताना। मित्रों आइए जान लेते हैं और उसके कारण पर भी जरूर डालेंगे निगाह और साथ में उसका क्या उपाय हो सकता है उस पर भी बात करेंगे। मित्रों, इसमें सबसे बड़ा रोल होता है शनि का। अब मैं आपको पहचान बता रहा हूं, आप कुंडली में उसको बेहद आसानी से देख सकते हैं। कुंडली में शनि के दो घर हैं, 10 नंबर और 11 नंबर जो है वो शनि की स्वयं की राशियां हैं। जहां कहीं पर भी आपके 10 या 11 नंबर लिखे हो, कहीं पर भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उदाहरण देने के लिए इसको 10 नंबर मान लीजिए यहां पर मैं लिख देता हूं, और इस 10 नंबर में ही यदि शनि विराजमान है, शनि का रंग काला है, श्याम वर्ण है। मित्रों अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि एक ऐसा अंधेरा कमरा जिसमें काले रंग का पेंट किया हुआ है और उसमें कोयले का एक छोटा सा टुकड़ा रख दिया जाए और आपसे यह कहा जाए कि वो ढूंढो, एक तो अंधेरा है
ऊपर से काले रंग का पैंट और फिर उस कोयला जो है उसका भी रंग काला। मित्रों लगभग लगभग नामुमकिन हो जाएगा उसको ढूंढना। जब शनि स्वयं अपने ही घर में है तो ये व्यक्ति को ऐसी ही क्वालिटीज देता है, अपने राज को, अपने गहरे राजों को छुपाए रखने का राज। परंतु ये सिर्फ स्थिति ये नहीं है, इसके साथ में ही बुध विराजमान होना चाहिए। बुध जो है वो बुद्धि का देवता है और इस कार्य को करने के लिए बुद्धि चाहे गलत रास्ते की ही सही पर तीक्ष्ण चाहिए। कैसे बातों को संभालना है, कैसे झूठ बोलना है, कैसे आंखों को और चेहरे के एक्सप्रेशंस को बचा के रखना है, कैसे अपने भावनाओं पर काबू रखना है, ये सारी चीजें इन दोनों का कॉम्बिनेशन देता है। और इस पर जब शुक्र साथ में विराजमान हो जाए, शुक्र मित्रों स्त्री के लिए पुरुष के सुखों का और पुरुष के लिए स्त्री के सुखों का कारक है। जब यह कॉम्बिनेशन निर्मित हो जाता है शनि के स्वयं के घर में, तब इसका प्रयोग वो करता है लैंगिक रिश्तों पर, चाहे प्रेमिका को धोखा देना हो, चाहे स्त्री को धोखा देना हो, या महिला द्वारा पुरुष को धोखा देना हो, चाहे वो उसका पति हो या फिर उसका प्रेमी ही क्यों ना हो। तो मैं आपको वापस इस कॉम्बिनेशन को दोहरा देता हूं, जहां पर 10 या 11 नंबर लिखा है, 10 या 11 नंबर के साथ में ये तीनों ग्रह अगर एक साथ में हैं, चाहे 10 नंबर में एक साथ में बैठे हुए हैं शुक्र शनि और बुध, चाहे 11 नंबर में एक साथ में बैठे हुए हैं शुक्र शनि और बुध, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहां पर बैठे हुए हैं। मेरे कई मित्र ज्योतिष के बड़े बड़े प्रकांड पंडित, वो मुझसे पूछते हैं कि इसमें फिर देखना पड़ेगा लग्न कौन सा है, दृष्टि कहां पर है। वो सब ठीक है, उनको ड्यू रेस्पेक्ट देते हुए मैं कहना चाहता हूं सारी बातें अपनी जगह पर ठीक है। परंतु हम यदि जनरलाइज ज्योतिष की तरफ नहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम इस विज्ञान के साथ में धोखा कर रहे हैं। तो इस तरह का जो योग है वो व्यक्ति को अपने राज छुपाने और खास तौर पर प्रेम संबंधी राज छुपाने में महारत हासिल करता है। तो ऐसा कोई योग है तो कुंडली मिलान से पहले उसको देखें, और इसके अलावा भी कई तरह के ऐसे योग होते हैं। तो उपाय के रूप में ये किया जा सकता है कि यदि ऐसी कोई कुंडली आती है तो पहली बात तो उसकी तरफ शादी का कदम ना उठाया जाए, प्रेम का कदम ना उठाया जाए, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। अब दूसरी स्थिति पर चर्चा कर लेते हैं कि यदि शादी हो चुकी है तब क्या किया जाए, बच्चे हो चुके हैं तब क्या किया जाए। तो कोई जरूरी नहीं है, शनि जो है उसकी शांति, आपके चाहे वो पति हो अगर उनकी कुंडली में ऐसा है तो आप उनके हाथ से शनि के दान करवाइए। कोई भी काली चीज की दान करवा सकते हैं, सर्दियां अभी चल रही है काले तिल आप दान करा सकते हैं, कंबल दान करा सकते हैं। तो दान से जो उनकी ये प्रवृत्ति है, जो ये आदत, उनकी आदत है, नेचर है, इसमें कहीं ना कहीं लगाम जरूर लगेगी, 100% लगेगी, कोई इसको रोक नहीं सकता। दूसरी चीज, आप स्वयं उनके नाम से एक शनि यंत्र प्राण प्रतिष्ठित अभिमंत्रित करवा के प्राप्त कीजिए और उसके बीज मंत्रों का आप रोजाना 108 बार जाप करके शनिदेव से एक ही प्रार्थना कीजिए कि हे शनिदेव, मेरे पति या पत्नी भी हो सकता है, कि बुद्धि जो कि एक प्रकार से भ्रष्ट हो चुकी है, वो सामाजिक तानों बानों से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको आप लगाम लगाएं। मित्रों पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ में आप इसको कीजिए, आप स्वयं इसका रिजल्ट देखेंगे और बहुत ही जल्द और बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। तो मित्रों ये था हमारा आज का आर्य सत्य। यदि आपकी कुंडली में भी इस प्रकार की कोई समस्या है या ज्योतिष से जुड़ा कोई प्रश्न है तो आप संपर्क अवश्य करें। मित्रों आप स्वस्थ और समृद्धशाली बने, इसी प्रकार के किसी और रोचक तथ्य परक और जानकारी से भरे किसी शोध के साथ में पुनः आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।